उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है और उसी के चलते बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा के इसी राजेश्वर मंदिर में आज ब्रिज क्षेत्र में दौरा करने आएंगे। ये राजेश्वर मंदिर आगरा के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यहाँ पर वह कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और संवाद करेंगे और अहम निर्देश देंगे। आगरा मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, 40 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ के कार्यकर्ताओं से, जिलाध्यक्षों से सबसे मुलाकात करेंगे। उससे पहले इस मंदिर में दर्शन करेंगे और किस तरीके का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल भी है और तमाम तरीके के नए नियम आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये डिप्टी मेयर है आगरा के, जो कि स्थानीय पार्षद भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कितना अहम है बीजेपी अध्यक्ष का यह दौरा, क्योंकि चुनाव भी बिल्कुल बच चुका है और क्योंकि यहाँ पे ब्रज क्षेत्र की 40 जो विधानसभा के लिए प्रथम चरण में चुनाव है उसके लिए आगाज करने आ रहे हैं और यहाँ के जो पदाधिकारी जो 40 विधानसभाओं से उन सबसे एक बैठक करेंगे होटल रामाडा में। पर उससे पूर्व यहाँ पर क्योंकि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है और काफ़ी इसकी प्रसिद्धता है, करीब ये 850-900 साल पुराना मंदिर है, तो यहाँ सबसे पहले आशीर्वाद लेने आएंगे, उसके बाद वो प्रचार प्रसार शुरू करेंगे। ये पहला दौरा है कि इससे पहले भी बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर आगरा में आए हैं यूपी चुनाव 2022 के सिलसिले में? नहीं, जेपी नड्डा जी तो इस मंदिर में पहले आए, पर पूर्व में यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी आ चुके हैं और इसकी और लाल कृष्ण आडवाणी जी यहाँ की पूजा की हुई है, इसलिए इस प्रसिद्ध की इस मंदिर की जो मान्यता है उसको मानते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। तो बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता इसी प्राचीन मंदिर में यहाँ पर आए हैं, पूजा करते रहे। इनके मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी जब आगरा का दौरा इनका लगता था इस मंदिर में आते थे, पूजा अर्चना करते थे और यहीं से अपने चुनावी प्रचार अभियान का आगाज करते थे ब्रज क्षेत्र आगरा में। और जेपी नड्डा भी आज यहाँ पर आएंगे। कार्यकर्ताओं में आप बतौर कार्यकर्ता पदाधिकारी क्या महसूस करते हैं बीजेपी अध्यक्ष इस दौरे से? मैं बहुत खुश हूँ इस बात का, क्योंकि प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट का मैं यहाँ पे कोषाध्यक्ष हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने आके जब भी यहाँ के बाबा की पूजा की है उनको पूरे विश्व में विजयी घोषित किया गया है। पहले यहाँ पर तुम्हारे लाल कृष्ण आडवाणी जी आए थे और वो यहाँ पर उन्होंने बैठ के पूजा करी थी। इससे पहले वाजपेयी जी भी आए थे और चंद्रशेखर जी भी आए थे जो प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन हमें बड़ी प्रसन्नता है कि इस पूरे क्षेत्र में भाजपा ही में आज पूरा हो जाएगा और बड़ा अच्छा लगेगा कि भारत के अंदर इस तरीके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आ रहे हैं, हम उनका तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस प्राचीन मंदिर को जाना। तो पहले और दूसरे चरण में 40 विधानसभा चुनाव में यहां पर इलेक्शन होना है और इसी के सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं। कुल मिलाकर चुनावी माहौल तैयार हो चुका है और कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में जोश भरने के लिए, उनको निर्देश देने के लिए बीजेपी अध्यक्ष का यह अहम दौरा है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमित पांडे, आगरा न्यूज 18 इंडिया।